9 मार्च को पाकिस्तान के जिला मियां चन्नू में एक कोल्ड स्टोरेज गोदाम पर भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल आ गिरा। पाकिस्तान ने भारत से इस हमले की वजाहत मांगी तो भारत ने 3 दिन बाद जवाब देते हुए कहा कि मिसाइल टेक्निकल खराबी के बायस गलती से पाकिस्तानी हदूद में गिरा और इस तकनीकी गलती का भारत ने एतराफ भी किया। कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने पाकिस्तान में 9 मार्च को मिसाइल गिरने की भारतीय वजाहत को मशकूक करार देते हुए कहा कि एक गैर जिम्मेदार मुल्क कैसे एटमी सलाहियत रख सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। भारत से एक सुपरसोनिक मिसाइल 250 किलोमीटर का फासला तय करके पाकिस्तान में गिरा। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका मिसाइल चल गया और वो 3 दिन बाद इसकी वजाहत दे रहा है। एक सुपरसोनिक मिसाइल का गलती से चलना एक ऐसा मामला है जिससे भारत के एटमी और दिफाई निजाम पर कई सवाल उठते हैं। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान और भारत रिवायती हरीफ हैं और दोनों हमसाये ममालिक जौहरी हथियारों से लैस भी हैं। इस तरह की तकनीकी गलती दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर वॉर का पेश खेमा हो सकती है।